जडेजा पर आईसीसी का कड़ा फैसला, बॉल छेड़छाड़ पर जडेजा पर जुर्माना, मैच फीस का 25% जुर्माना देना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रविंद्र जडेजा ने लगभग 5 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी की और टीम में आते ही भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में इंडिया को जीत दिलाने में उन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में 7 विकेट लिए और 70 रनों की बेजोड़ पारी भी खेली। भारत ने मैच पारी और 132 रनों से जीता। भारत अभी जीत का जश्न मना ही रहा था कि आईसीसी से जडेजा को लेकर बड़ा फैसला आ गया। आईसीसी ने जडेजा पर कड़ा फैसला सुनाया है, उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट मिला है और मैच फीस का 25% जुर्माना भी उन्हें देना होगा। दरअसल ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने गेंद से छेड़छाड़ का आरोप उन पर लगाया था, जिस पर बीसीसीआई ने भी उस वक्त उन आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन आईसीसी ने माना। गेंदबाजी के दौरान जडेजा ने उंगली पर क्रीम लगाई थी और इस दौरान उनके हाथ में गेंद भी थी। ऐसे में आईसीसी ने नियम के मुताबिक उन्हें लेवल 1 का दोषी माना है। हालांकि आईसीसी इस बात से संतुष्ट है कि जडेजा ने गेंद पर कोई बाहरी पदार्थ नहीं लगाया। आईसीसी की ऑफिशिएटिंग टीम ने रविंद्र जडेजा को इसलिए दोषी माना क्योंकि उन्होंने मैदानी अंपायर्स को बताए बिना क्रीम जैसी चीज का इस्तेमाल गेंदबाजी करते हुए किया है। इस कारण उन्हें डीमेरिट अंक के अलावा जुर्माना भी भरना होगा। इस मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन तक ने सवाल उठाए थे। मैच के पहले दिन एक वीडियो दरअसल वायरल हुआ था। इसमें दिख रहा था कि रविंद्र जडेजा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथ में लगी क्रीम को अपनी उंगली में लगा रहे हैं। इस दौरान उनके हाथ में गेंद भी थी। इस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने निशाना साधते हुए लिखा था, वो अपनी स्पिन कराने वाली उंगली पर क्या लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने लिखा था कि दिलचस्प मामला है, लेकिन बीसीसीआई ने उसी वक्त तमाम आरोपों को खारिज करते हुए स्थिति साफ करते हुए बता दिया था कि जडेजा ने अपनी उंगली को आराम देने के लिए उंगली पर क्रीम लगाई, ना कि गेंद पर। आईसीसी ने भी ये माना कि बॉल से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, पर आईसीसी ने जडेजा द्वारा अंपायर को सूचित नहीं करने को लेकर ये कार्रवाई की थी। फिलहाल जिस तरीके से रविंद्र जडेजा पर जुर्माना लगा है, अब उसके बाद उन्हें 25% अपने मैच फीस का देना होगा। और वहीं मैच की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी दोनों पारियों में की और भारत के लिए शानदार बल्लेबाजी भी की, जिसकी वजह से भारतीय टीम को बेहतरीन जीत मिली। वहीं टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से टीम इंडिया को नागपुर में शानदार जीत मिली है और अब टीम इंडिया 1-0 की लीड लेने के साथ ही दिल्ली पहुंचेगी, जहां पर दूसरा टेस्ट मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में 17 फरवरी से खेला जाना है। उम्मीद यही टीम इंडिया कर रही होगी कि यहां पर भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज जीतने के साथ ही 2-0 की बढ़त बनाएगी और आगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो इसी तरीके से शानदार प्रदर्शन अपना जारी रखेगी। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जडेजा पर जिस तरीके से जुर्माना लगा है और उन्हें दोषी करार दिया गया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।